स्टूडेंट अब मेरे पास कंडीशन नंबर 10 है, बिल्कुल इजी है ये पार्ट। इसमें भी हमने फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व ही फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन उसने दी हुई है y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एंड एट 0 एंड 2 उसने क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें अब भी उसने फाइंड द स्लोप कहा है, तो हमने क्या सीखा हुआ है फर्स्ट पार्ट से ही, यानी जो जब भी वो स्लोप कह रहा था कि जब भी हमें स्लोप चाहिए होगी तो हम उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव ही लेंगे। नाउ डिफरेंशिएट, अब देखिए राइट साइड पे x है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx x क्यूब माइनस 3x और प्लस 2, इसका भी मैंने डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव को सबके साथ हमने क्या करना है, अप्लाई करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। नाउ d ओवर dx x की पावर 3 माइनस d ओवर dx 3x और प्लस d ओवर dx एंड 2। अब डेरिवेटिव को ओपन करने से पहले, यानी यहां पे मैं पावर रूल लगा सकता हूं, लेकिन यहां पे सबसे पहले क्या कर ले, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को पहले ले लीजिए बाहर, यानी d ओवर dx x क्यूब माइनस 3 बाहर आ जाएगा और d ओवर dx x का डेरिवेटिव और प्लस d ओवर dx और 2 का भी डेरिवेटिव। नाउ अब यहां पे ओपन कीजिए 3x का स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 सेम एज इट इज, और x का डेरिवेटिव मेरे पास 1 है और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, बिकॉज 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है। नाउ d ओवर dx इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर सेम एज इट इज माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3। ये तो डेरिवेटिव का आंसर हो गया। अब उसने कहा कि मेरे पास एक पॉइंट है, वो भी आपने पुट करना है। फर्स्ट पॉइंट किसको शो करते हैं, एक्स को, सेकंड पॉइंट किसको शो करते हैं, वाई को। तो क्या यहाँ पे वाई है, ये वाई नहीं है, ये डेरिवेटिव लिया गया है वाई का, तो ये डी वाई है ना कि वाई है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, जीरो पुट कर लेंगे। नाउ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 3। तो हम कह सकते हैं कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो जब 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये आंसर देगा 0 माइनस 3। तो हम कह सकते हैं कि जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3। तो इस तरह हमने ये पार्ट नंबर जो 10 है बिल्कुल इजी है कंप्लीट कर लिए हैं।